हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम ट्रिप। माय डियर फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोना शो यू हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर एक्सट्रैक्ट ऑफ गिरदावरी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फ़ोन या लैपटॉप पे कोई ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली गूगल सर्च बार में टाइप कर देना है जेके रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है, वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला लिंक है jkrevenue.nic.in, इस वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके का है। अब आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आना है, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन शो हो रहा होगा जिस पे लिखा है जी अप्लाई फॉर रेवेन्यू सर्विसेज। तो सिंपली आपने क्या करना है, इस वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, ये जो ऑप्शन है अप्लाई फॉर ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पे यूजर लॉग इन, यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो जो ही आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, साइन इन करना है। तो साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल इंटर करना है, देन उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। ये जो कैप्चा और करेक्टर ऊपर शो हो रहा है, ये आपको यहाँ पे नीचे उसको इंटर करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो जो भी आपने ईमेल या मोबाइल नंबर इंटर किया है, उस पर ओटीपी आ जाएगा। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे क्या करना है, इंटर करना है। ओटीपी इंटर करके आपको सिंपली क्या करना है, सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यानी कि डैशबोर्ड में आप पहुँच जाएंगे। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सर्विस टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम जो है इस वीडियो में देख रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है एक्सट्रैक्ट ऑफ गिरदावरी के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आपको चूज़ कर लेना है, यहाँ से ड्रॉपडाउन लिस्ट से एक्सट्रैक्ट ऑफ गिरदावरी, सिंपली आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट जो है वो सिलेक्ट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी तहसील जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, और उसके बाद अप्लाई हियर पर क्लिक कर देना है। तो जो ही आप अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस जो है सबसे पहले शो होंगी। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं, ये डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करने हैं उनके रिलेटेड है, ये आपको इसको रीड कर लेना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना नाम इंटर करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पेरेंटेज इंटर करनी है, आधार नंबर जो है वो आपको इंटर करना है, अपना ऑक्यूपेशन यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल एड्रेस अपना इंटर कर देना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस जो है वो इंटर कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे अब आपको क्या करना है, यहाँ से अपना एरिया टाइप जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, रूरल और अर्बन। रूरल जो गाँव देहात वगैरह हो गए देहात वगैरह में, तो अर्बन जो है वो सिटी वगैरह हो गया। तो यहाँ पे भी आप रहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंगली अपना एरिया टाइप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना विलेज सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद आपको विलेज एरिया वो जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको किवात नंबर, आपको अपनी जो भी ज़मीन का है वो इंटर करना है। खाता नंबर जो है वो आपको इंटर कर देना है, देन उसके बाद यहाँ पे आपको खसरा नंबर अपनी ज़मीन का इंटर कर देना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको म्यूटेशन नंबर यानी कि इंतकाल का जो भी नंबर है वो आपको इंटर करना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ जो है वो एप्लीकेंट की अपलोड करनी है। तो आईडी प्रूफ के तौर पर आप अपना आधार, डोमिसाइल, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, एपिक यानी कि वोटर आईडी वगैरह जो है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना रेजिडेंशियल प्रूफ जो है वो आपको अपलोड करना है, डोमिसाइल हो गया या राशन कार्ड वगैरह, वोटर आईडी, टिकट वगैरह भी आप जो है उसके लिए अपलोड कर सकते हैं। तो जो भी फाइल आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो पीडीएफ वगैरह फॉर्मेट में होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट जो सीरियल नंबर 3 पे है, प्रीवियस कॉपी ऑफ गिरदावरी, गिरदावरी की जो आपकी जमीन की प्रीवियस कॉपी है गिरदावरी की, वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और उसके बाद कोई दूसरा जो एनी रेवेन्यू डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द लैंड, कोई भी जो दूसरा रेवेन्यू डॉक्यूमेंट है जो आपकी ज़मीन के रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने के लिए सिंपली आपने चूज फाइल पर क्लिक करना है, उसके बाद जिस भी फोल्डर के अंदर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो वो सेव किए होंगे वहाँ से जाकर उसको सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आई हियर बाय यहाँ पर आपको टिक लगा देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है।
तो उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जो भी जिस भी सर्विस मतलब हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ गिरदावरी, तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ़ी पे करनी है अपनी। तो जो भी यहाँ पे फ़ी वगैरह होगी वो शो हो जाएगी, तो वो आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपनी फ़ी पे कीजिए। तो फ़ी पे करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, मेक पेमेंट पे क्लिक कर देना है। तो जो ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आप जो है रीडायरेक्ट हो जाएंगे जो भी इनका पेमेंट गेटवे है। तो यहाँ पे अब आप जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू अपनी फ़ी पे कर सकेंगे। तो जो ही आप फ़ी पे करेंगे उसके बाद आपकी रिसिप्ट या एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट वगैरह जनरेट हो जाएगी, तो उसका प्रिंट भी ले सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो उसके बाद जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए। तो इस वीडियो में आपको बस यही इन्फॉर्मेशन देनी थी। सो दैट्स द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।